हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक समथिंग टेस्टी में। जहाँ पे फ्रेंड्स आज ना हम लोग रोल कट मैंगो आइसक्रीम बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनेगी और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी फ्रेंड कि आप लोग यकीन ही नहीं करोगे कि आपने इसे खुद घर पे बनाया। और किसी को दोगे तो सबको यही लगेगा कि आपने इसे मार्केट से मंगवाया, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसमें जो सामान हमने यूज़ करे ना फ्रेंड्स, हमने आधा कप दूध यूज़ किया, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि आइसक्रीम में काफ़ी दूध डालता है। हमने सिर्फ इसे आधा कप दूध से बनाया है फ्रेंड्स। और जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाली है वो नॉर्मली आपके पास घर में होंगी, तो इस आइसक्रीम को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक आम को कट कर लिया था, और आम को कट करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसकी एक फाइन सी प्यूरी बना लेंगे। मतलब हमें इसका पेस्ट बना लेना अच्छे से ग्राइंड करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमने इसका पेस्ट बना लिया है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग इसके अंदर चीनी जो पिसी हुई डाल रहे हैं तो आप बाद में डाल सकते हैं, जैसे मैं बाद में डालूंगी। और अगर आप बिना पिसी चीनी डाल रहे हैं तो उसे पहले डालें जब आप मैंगो को ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हम इसमें मलाई डालेंगे फ्रेंड्स। अगर आप बाद में बिना पिसी चीनी डालेंगे तो ग्राइंड करने के बाद उसमें जो मक्खन होता है वो आने का डर लगता है, उससे आपकी जो आइसक्रीम होगी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे प्यूरी बनाने के बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच भरे मलाई के डाल लिए थे, जो फ्रेश मलाई थी। उसके बाद आधा कप दूध डाल लिया था। फिर हमने इसके अंदर फ्रेंड्स 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाला था। आप कोई भी कंपनी का या कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 5 बड़े चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये ना आम थोड़ा सा कम मीठा था तो इसलिए मैंने डाला। अगर आपका आम काफ़ी मीठा है तो आप इसके अंदर चीनी कम भी कर सकते हो या ज़्यादा, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। तो अभी हमने इसको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया, और मैंने इसके अंदर कोई कलर यूज़ नहीं किया है। ये नॉर्मल हमारा जो आम का कलर होता है फ्रेंड्स, सेम वही कलर है। अभी हम इसको डब्बे के अंदर डालेंगे। डब्बे में भी कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए फ्रेंड्स मैंने। 10 रुपये का डब्बा जो दुकान होती है फ्रेंड्स उससे मैंने खरीदा था, चॉकलेट का ये डब्बा था तो मैंने 10 रुपये में लिया था। इसके अंदर हम अच्छे से प्यूरी डाल देंगे और उसको अच्छे से देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर ढक्कन लगा के ना हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने इसे 4 घंटे के लिए रखा था, टाइम कम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो। थोड़ा सा जम जाएगा तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 4 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला तो ये थोड़ा जम चुका था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप चाहते हैं तो आप ग्राइंडिंग जार में इसको डाल करके ना फ्रेंड्स आप इसका दोबारा पेस्ट बना के दोबारा डाल दें। लेकिन मैंने दोबारा क्या किया, इसको चम्मच ली मैंने फ्रेंड्स, और चम्मच से हम इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। जैसा पहले ये पेस्ट था, देखिए जमा हुआ है ना, तो उसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है किनारों विनारों से सारी जगह से उतार करके। तो मैं इसको देखिए इस तरह के से निकालते हुए इसका अच्छा सा एक दोबारा से पेस्ट बना लूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया मेरे पास। देखिए ये टूटी फ्रूटी थी देखिए फ्रेंड्स इस तरीके की, तो वो मैंने डाल ली। इसको बहुत से लोग चेरी भी बोलते हैं, तो उनको मैंने इसके अंदर डाल लिया है, क्योंकि इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा मैंगो आइसक्रीम में, और देखने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगी और अच्छी भी। तो अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और मैं इसके बाद थोड़ी और इसके अंदर डाल लूँगी, क्योंकि मेरे घर पर बच्चे भी हैं तो उन्हें टूटी फ्रूटी का जो टेस्ट होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को अट्रैक्टिव लगता है अगर आप लोग इसके अंदर ऐसी चीज़ें डालते हो। तो थोड़ी और डाल के मैं थोड़ा और मिक्स इसको कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हम इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि एक बार हमने इसको जमा लिया, अब हम इसे फाइनल जो हमारा जमाएंगे इसको, तो फाइनली हमें अब इसको जमाने के लिए रख देना है। तो अब हम यहाँ पे मैंने ग्लास लिया फ्रेंड्स, ये जंबो ग्लास था। अगर आपके पास ऐसा नहीं, वैसे तो ये दुकानों पे अवेलेबल हो जाता है आराम से, तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप क्या करें फ्रेंड्स, कोई भी आप जैसे वो डब्बा था मैं जिसके अंदर पहले जमा था उसी के अंदर भी जमा सकते हो, या कोई भी आपके पास मोल्ड हो तो मोल्ड के अंदर भी आप इसको जमा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको फैला लिया है। आप क्या करें, एक दो बार इसके अंदर चम्मच डाल के फ्रेंड्स को ले, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी एयर रह जाती है तो एयर निकल जाएगी जब इसे चम्मच से बीच में डाल के चम्मच चलाएंगे। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैंने ये एक मिल्क का जो मेरे पास फ्रेंड्स ये एक जो क्या होता है फ्रेंड्स ये पॉलीथीन थी तो एक पैकेट था, मैंने इसको कट करके अच्छे से धो के सुखा लिया था। अब इसको इसके ऊपर लगा देंगे रबर बैंड से। आप चाहे तो अपने सर की भी रबर बैंड यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास वैसी नहीं है तो, या फिर धागे से भी बांध सकते हो। अब मेरे पास जो पेस्ट बचा था तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के मोल्ड लिए थे प्लास्टिक के, तो इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया था फ्रेंड्स। और डालने के बाद दोनों मेरे पास 2 ही आइसक्रीम का बचा था, मैंने दोनों साइड पे डाल करके इसको भी जमने के लिए रख दिया था साथ के साथ। तो अभी हम इसके ऊपर जो इसकी डंडी होगी फ्रेंड्स वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए इसको लगा करके हम दोनों को कम से भी कम या तो पूरी रात के लिए आप रख दीजिए, जब तक जमता नहीं 8 या 10 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जम चुका था, मैंने पूरी रात के लिए इसको रख दिया था।
ये अच्छे से जम चुका था। अब इसको थोड़ा हाथ से मैंने वो किया तो ये अच्छे से निकल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया कि जल्दी निकालने के लिए, हाथ से थोड़ा घुमाने में टाइम लगता, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसको पानी में रख दिया था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको रखना, ज़्यादा देर के लिए इसको मत रखें, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया और हाथ से चला करके अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो ये स्पेस सा इसके अंदर हो गया, अभी मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया था, उस ट्रे के अंदर निकाल लिया इसको। तो देखिए ये अच्छे से, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये अभी निकल जाएगा, तो देखिए चलाया ये निकल गया। तो अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके ना हम फ्रेंड्स नाइफ लेंगे और इससे हम इसके रोल कट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेंगे और चेरी का ना फ्रेंड्स आप देखेंगे जब मैं इसको कट करूँगी, तो जो चेरी हमने इसके अंदर डाली है यानी कि टूटी फ्रूटी डाली है ना फ्रेंड, ये देखिए कितना कमाल का लग रहा है ना, मतलब एकदम मार्केट में जिस तरह की आइसक्रीम मिलती है ना सेम वैसी है, आपके घर में ना सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो हम इसको जल्दी से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपनी आइसक्रीम को कट कर लिया और देखिए देखने में ही जितनी टेस्टी लग रही है ना फ्रेंड्स, खाने में भी उतनी टेस्टी और सॉफ्ट बनी थी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।